ये जो आपके यादव साहब हैं या पंत साहब हैं या वो इंडियन पिचेस के ऊपर खेल के इसी तरह इंडियन पिचेस आर लाइक दिस, और टीम में क्या है, दो अच्छे बॉलर हैं एक्सप्रेस बॉलर, टू और थ्री मीडियोकर बॉलर्स और इंडियन पिचेस, वहां तो कोई भी स्कोर कर सकता है। अभी जो आईपीएल हुई है इधर यूएई में तो क्या स्कोर है, 130 140। तो हमारे प्लेयर्स को, क्योंकि हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, हम उस तरह से क्रिकेट नहीं ज़्यादा हुई, तो इनकी इमेज जो है वो जितने होने चाहिए, जितना बड़ा शहनशाह अफरीदी को स्टार अब होना चाहिए, वो बुमराह बुमराह करते हैं। वट इज़ बुमराह इफ यू कंपेयर विद शहनशाह अफरीदी? ही इज़ गुड ऑल्सो, इज़न्ट इट? ही इज़ गुड, ही इज़ वेरी गुड, बट जो ब्रांडिंग है, ऑफ कोर्स वो तो ये जो कोहली है, कोहली इज़ कोहली, व्हाट अबाउट बाबर आजम? ही इज़ नंबर वन प्लेयर। उसका एक वजह है ना कि शुएब अख्तर को मेरे ख्याल 1.25 साल हो गए ब्रांड 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 करते हुए, बट वी हैव नॉट बीन बिल्डिंग इट अप। तो दोस्तों ये छोटा सा क्लिप था आकिब जावेद का, ये जस्ट भारत पाकिस्तान के मैच खत्म होने के बाद का था। तो इन्होंने बोला कौन कोहली शोली बुमराह शुमराह, इस तरीके की बातें इन्होंने की थी। अब ये मतलब पाकिस्तानी क्या होता है कि एक दो मैच जीत जाते हैं, पाकिस्तानी ऑब्वियसली दो मैच जीते हैं बड़े, न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया के खिलाफ, बाकी इनके तीन मैच घटिया टीम के खिलाफ थे और सेमीफाइनल ऑब्वियसली आपने देखा, और वो मैच में भी इनको टॉस का एडवांटेज था। तो ये बात मतलब अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब आकिब जावेद के आपके वीडियो अपलोड करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनके साथ होता है ये एक दो मैच जीतने के बाद ऑब्वियसली ये एकदम से बहुत हाइट पर चले जाते हैं, मतलब आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो गाइस पाकिस्तान सेमीफाइनल में देखा आपने, ऑस्ट्रेलिया 96/5 था, उसके बाद 14 ओवर में ये हालत थी उनकी और उन्होंने किस तरीके से मैच जीता। तो ऑब्वियसली इस वर्ल्ड कप का मेन रीजन है जो भी टीम टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करती है वो ज्यादातर मैच जीतती है। ज्यादातर बोलने का मतलब यह कि जो टॉप 6 टीम अगर देखे तो वो सारे मैच जीती है, मतलब एक आध ही मैच होगा जो दोपहर का होगा जो शारजहां में हुआ होगा वो टीम मतलब हारी होगी, अदरवाइज दुबई में भारत ने सारे मैच खेले, अबू धाबी में एक मैच खेला आई थिंक। तो उसके मतलब अगर बात करें तो ये वर्ल्ड कप टोटल आप समझ सकते हो जहां पे भी टॉस के बाद बॉलिंग करेगी टीम और जो सेकंड बैटिंग करेगी ड्यूक फैक्टर की वजह से उसको फायदा होता है। तो ये वर्ल्ड कप की कहानी रही है। तो चलिए दोस्त पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के अंतिम भाग में करते हैं और भी कुछ बात। और खेल में हार जीत तो होती रहती है। अच्छा ऐसा नहीं, बाल साहब ने भी कुछ फरमाया है, वो क्या कहते हैं जी कि हम ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल मैच हार गए लेकिन कौमी टीम इस हार के बावजूद 22 करोड़ अवाम के दिल जीतने में कामयाब हो गई है। सलीमान भी बाला ने क्या कहा है कि जी ये एक गेम थी जिसमें पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त खेल पेश किया और हमें खिलाड़ियों को हौसला भी देना चाहिए। नूरुल कादरी साहब वो भी अपनी राय का इजहार कर रहे थे, क्या कह रहे थे जी कि वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को वो दाद देते हैं जिनकी इस इवेंट में बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस रही। अब इसी तरह मोहसिन रांझा साहब, उन्होंने कौमी क्रिकेट टीम की मेहनत के जज्बे को सराहा और क्या कहा कि जी पाकिस्तानी टीम ने ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्म किया और एक मैच में नाकामी मिली तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपनी टीम की जो बाकी मैचों की अच्छी शानदार परफॉर्मेंस है उसे भुला देना चाहिए। और क्रिकेट तो गेम ऑफ चांस होती है, हम ये नहीं कह सकते कि हर टीम 100% परफॉर्म करेगी, और हार के साथ जीत तो होती है और जीत के साथ हार भी होती है। अच्छा इरफान सदीकी साहब, उन्होंने भी कौमी टीम की परफॉर्मेंस पर अपनी राय का इजहार किया, वो क्या कहते हैं कि जी खुशी इस बात की है कि हमारे खिलाड़ी सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं जो कि एक बहुत बड़ी बात है। यानी नाज़रीन अगर देखा जाए तो हमारे रहबर कौमी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा मुतमईन हैं और हमारे रहबर भी पैगाम दे रहे हैं कि खिलाड़ियों की अच्छी परफॉर्मेंस को देखा जाना चाहिए, ना कि सिर्फ़ एक मैच हारने की वजह से उन पर तनकीद शुरू कर देनी चाहिए। अब पता नहीं आपने ये बात नोट की या नहीं, लेकिन मैंने एक बात नोट की वो ये कि हमारे जो रहबर है ना वो कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी और ये सेमीफाइनल में हार से मुतालिक एक पेज पर नज़र आए हैं और इस मामले पर सबकी राय एक जैसी पाई गई है। अब कितनी अच्छी बात है, शुक्र है कि हमारे रहबर किसी एक बात पर तो मुत्तफिक हुए, और क्या ही अच्छा हो अगर हमारे जो रहबर हैं ये कौमी इशूज़ पर भी एक पेज पर हो जाएँ, मुल्क के तमाम मसाइल को एक और इकट्ठे होकर हल कर लें। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अभी मरियम औरंगजेब साहिबा, उनसे सेमीफाइनल में राय ली गई, उन्होंने अपनी राय का इजहार किया जैसे बाकी तमाम रहबरों ने किया। अब ऐसे क्रिकेट और सियासत को तो मेरे ख्याल से दूर ही रखना चाहिए ना, लेकिन कल मरियम औरंगजेब साहिबा से ये सवाल पूछा गया कि जी कौमी क्रिकेट टीम के साथ साथ क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस का क्रेडिट आप वफाकी हुकूमत को भी देंगी, तो उन्होंने जवाब दिया हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। ज़रा चलाइएगा क्लिप जी। देखा आपने एहसन इकबाल साहब का क्लिप सुना। अब नून लीग क्या कहती जी, हुकूमत जो है वो एहतसाब के बहुत नारे लगाया करती थी लेकिन इसी हुकूमत ने अपने लोगों को करप्शन केसेस से बचाने के लिए एनआरओ दे दी है।
देखें ये मैच जो है आप तसलसल से जीत रहे हैं ना। इंडिया को जिस तरह से हराया उस दिन के लिए शेख रशीद ने कहा था मेरे लिए वर्ल्ड कप हो गया और हम सब और सब लोग यही समझ रहे थे। लेकिन जिस जगह पर हसन ने कैच छोड़ा है तनकीद मैंने भी की है और सोशल मीडिया पर ही की है मैं और अपनी तनकीद को मैं वापस भी नहीं लेता, गलत भी नहीं समझता कि उन्होंने उससे पहले कहा जा रहा था कि इनकी कारकर्दगी जो है वो सवाल या निशान है। तो टीम पर आपके पास वो जो आप स्क्वाड लाए थे वो भी मौजूद था और जो स्क्वाड आपके उसके अलावा जो लोग आपके ज़ख्मी होने की सूरत में जिन लोगों को आपने लेना था वो लोग भी मौजूद थे, तो आप रिप्लेसमेंट कर सकते थे। अगर कारकर्दगी ठीक नहीं जा रही थी तो आपको चेंज कर लेना चाहिए था, इसमें कोई बुराई की बात नहीं थी। हसन अली की कारकर्दगी सवाल या निशान इस सेमीफाइनल से पहले बन चुकी थी। हम जब ये सेमीफाइनल होने वाला था उससे पहले हम इस खतरे का इजहार कर चुके थे कि हसन अली की वजह से कोई बड़ा अपसेट हो सकता है और अपसेट उसी की वजह से हुआ है। अच्छा, हसन अली चैम्पियन ट्रॉफी में शानदार कारकर्दगी थी तो हमने सलाम पेश किया, अपने आंखें बिछाई थी, इस दफ्तर में हमारे यहाँ तशरीफ लाए थे। अच्छा। हसन अली हमारे साथ बैठे थे, हसन अली थे, फखर जमान थे, हफीज थे, आप जो है वो अपना सरफराज थे, सारी टीम आई थी और हमने उनको वेलकम किया था, हमने उनको बहुत इज्जत दी थी और वो इज्जत के काबिल थे। उनने जम कर और डट कर ये इस ऐसे मुकाबले में जहाँ पर हमने हमारी बैटिंग लाइन जो है वो फेल नहीं हुई, उन्होंने जो है वो खासा और उसके बावजूद के मौसम हक में नहीं था, इसके बावजूद के शबनम पड़ रही थी, उसके बावजूद उन्होंने एक लंबा टारगेट लिया है। अब इसको रोकना जो है वो तो फील्डर का, हमारा सबरा मसला फील्डर का है। हम ले आते हैं बॉलिंग के लिए बेहतरीन कोच ले आते हैं, हम बैट्समैन के लिए बेहतरीन, भाई फील्डिंग खुदा के वास्ते पाकिस्तान की सबसे कमजोरी, बड़ी कमजोरी जो है फील्डिंग की है। हम फील्डिंग में नहीं, हवा में उड़ते हुए जाकर कैच लेते हैं। मैंने देखा है दूसरी टीमों के लोग जो हैं किस तरह से कैच, और ये तो इतना इजी कैच था, अनारी भी कोई जाता तो उस कैच को ले लेता और इनके हाथ से छूट गया, तो तनकीद को गुस्सा भी आता है, तनकीद भी होती है। और इस तनकीद के बारे में जो कुछ कहा है हमारे कप्तान साहब ने, वो बड़े दिल के हैं बाबर आजम, हालांकि सदमा उन्हें भी हुआ है इसलिए कि वो तो जीतते चले जा रहे थे और आगे तो हलवा रखा हुआ था। न्यूजीलैंड को अभी आप हरा कर आए थे, न्यूजीलैंड को हराना तो कोई मसला ही नहीं था, ये आपके सामने आ चुका था कि फाइनल जो है आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है और इंग्लैंड अपना ऑस्ट्रेलिया को तो इंग्लैंड ने जो है वो भरकस निकाल दिया था। उसके बाद जनूबी अफ्रीका ने के साथ उनके साथ यही हुआ और जनूबी अफ्रीका को तो सर्विस की मार पड़ी कि मार्जिन में उसके नंबर वो कम थे, उसके रन्स जो है उनकी रेट्स कम थे, वरना ये इसमें सेमीफाइनल में तो साउथ अफ्रीका को आना चाहिए था। इंग्लैंड आ गया, आप इंग्लैंड तो आपके लिए बहुत आसान हदब था, तो ऑस्ट्रेलिया आ गया, ऑस्ट्रेलिया आसान हदब था, आप ऑस्ट्रेलिया को जो है वो बिल्कुल लिटा सकते थे। लेकिन देखें गलतियां जो होती हैं ना, एक एक गलती भी वो आपके लिए, और आखिर में शाहीन अफरीदी ने जिस तरह छक्के दिए, छक्के नहीं, उनकी बॉलिंग में बहुत कम ऐसा होता है कि लोग इस तरह जारहाना तौर पर खेल सकते हैं। और मिथ्यूज़ को हमें कहना चाहिए कि उसने एक बॉलर, एक बैट्समैन का सबूत दिया कि जिस तरह जम कर उसने बैट्समैनिंग की, और वो हमारा उससे पहले जो हम अफगानिस्तान के खिलाफ हमारे चार चौके ना लगते तो हम तो अफगानिस्तान से भी ढेर हो चुके थे ना, तो हमारे जिस तरह से उनने हमारे खिलाड़ी ने किया था, इस तरह से यहाँ पर भी अगर गैर जिम्मेदारी होगी, अगर उनका जहन बटा हुआ था, अगर वो कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहे थे, अगर किसी मसले का शिकार थे, तो ये टीम मैनेजमेंट को ये से फैसला करना चाहिए था कि उन्हें ड्रॉप कर दिया जाता, आपके पास और खिलाड़ी बैठे हुए थे उनको लिया था। लेकिन मोहम्मद रिजवान को बहुत ज़्यादा लोग चाह रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर बड़ी तारीफ हो रही है क्योंकि मैच से पहले दो दिन वो ICU में रहे। नहीं, देखें जिस तरह से वो अस्पताल में था और जिस तरह से वो अस्पताल में हमने उसको देखा है, जिस तरह से उसके सीने पर मशीनें लगी हुई थी और जिस तरह से उसको देखा नहीं जा सकता था, इस हालत से निकल कर वहाँ आना और वहाँ पर खेलना, रिजवान ने इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान जिस जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है वो वाकई ऐसा है कि उसे खिराज तहसीन पेश किया जाए। वो बहुत बड़ा प्लेयर होकर और विकेट के पीछे खड़े होकर भी उसने कमाल किया और उसने अपनी तरफ से जो है वो गेंद को निकलने नहीं दिया, बॉल को नहीं निकलने दिया, और उसने जम कर खेला और उन्होंने ठीक खेला। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हसन अली के साथ किसी की भी जाती वो नहीं है। हाँ, इस बुनियाद पर निशाना बनाना है कि वो फलां मसलक को मानने वाला है
और उसकी बीवी फुलाएं, ये तो बहुत ही शर्मनाक और घटिया बात है, इससे ज्यादा घटिया बात हो ही नहीं सकती। पूरा जो प्रोपेगेंडा है ये भारत की तरफ से किया जा रहा है और उन्हीं के जो ट्विटर हैंडल, उन्होंने जो अकाउंट्स बनाए उनसे ही किया जा रहा है, इवन जो हसन अली की वाइफ। तो दोस्तों आपने वीडियो देखा, वीडियो में बात हो रही है हसन अली, हसन अली को टारगेट किया गया जैसे ही मैच हारे। ऑब्वियसली उन्होंने बहुत क्रूशियल टाइम पे वो कैच छोड़ा था, लेकिन उस कैच तक उससे पहले भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग नहीं की थी। ये मैचेस में होता है, हसन अली के बाद भी अगर कैच छोड़ने के बाद भी आपने देखा कि शाहीन अफरीदी और 10 बॉल पे आई थिंक 21 रन चाहिए थे, उन्होंने वाइड फेंकी, फिर ऐसा कुछ हुआ कैच छोड़ने के बाद आई थिंक 24 चाहिए थे, फिर उन्होंने कैच छोड़ने पर 2 रन लिए और उसके बाद वाइड फेंकी और फिर 3 छक्के खा गए। तो हसन अली की ठीक है कैच छोड़ दिया, उसके बाद भी 20 रन थे 10 बॉल में। आप बड़े बॉलर हो, आपको निकालना चाहिए था, आप टूर्नामेंट के इतने बड़े बॉलर हो, तो दोस्तों आप समझ सकते हो यह मैच में होता है। और रही बात इंडिया टीम की, तो इंडिया के 2 मैच खराब हुए और वो टॉस नहीं गया हमारे पक्ष में, तो उसके बाद हमारी ये हालत है। ठीक है, आज से फिक्स 1 साल बाद फाइनल होगा T20 के अगले वर्ल्ड कप का, 13 तारीख को आई थिंक 13 नवंबर को वो फाइनल है, 14 को कल T20 वर्ल्ड कप का फाइनल है। तो आप समझ सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया में है वो वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स हमें काफ़ी शूट भी करती हैं क्योंकि हम वहाँ पर T20 सीरीज जीते भी हैं। तो गाइज आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पाकिस्तान अब बोल रहा है कि हसन अली को इंडियन मतलब टारगेट कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं ये और वो, ऐसा ही कुछ इन्होंने किया था समी के टाइम पे और इन्होंने ही एडवांटेज ले लिया था। मतलब उन्होंने ये टारगेट किया था कि समी मुस्लिम है इस वजह से उसको ये बोला जा रहा है, वो बोला जा रहा है। अब हसन अली मुस्लिम है तो भाई फिर वही वाला कार्ड खेलो धर्म वाला, स्टार्ट यही लोग करते हैं। पहले इन्होंने मतलब इंडिया के खिलाफ जीत को इस्लाम की जीत बता दिया, अब भैया हार गई पाकिस्तान तब वो किसकी जीत हुई? तो स्टार्ट इन्हीं ने किया, बुरा भी यही मानेंगे। मतलब आप समझ सकते हो ये किस तरीके के लोग हैं। दोस्तों वीडियो खत्म होता है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब।